يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. कौन बात कर रहे हैं? जुनैरा. Let me see where are you, जुनैरा. जी. अस्सलाम वालेकुम आंटी. बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. समीना के भांजी है आप जुनैरा? नहीं, मैं उनकी नीस हूँ ना आंटी. मैं अच्छा थी. हाँ, याद है. आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे हर चीज के बारे में कंफ्यूजन रहता था. मैं इनको सुनती थी, उनको सुनती थी, ये स्कॉलर वो स्कॉलर. बट अल्हम्दुलिल्लाह आपके लेक्चर जैसे है, इट्स बीइंग एडिटेड एंड हाउ इसको एंड खाले जान बोलते कि आपकी आपकी वीडियो सुनो और जो भी करते ये एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी, बस अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करना जो भी है. एंड वट एवर यू डू इज फॉर योर आखिरत. एंड इट्स लाइक वीडियो सुनते एंड रिसेंटली व्हेन आई जॉइन दिस तफसीर एंड ट्रांसलेशन कोर्स, तब से तबस्सुम बाइटस रहते, जो हार्ट स्टेटस रहता, इट मेक्स मी रियलाइज व्हाट डिड आई डू राइट एंड वेयर वाज द थिंग दैट आई हैव गॉन रॉन्ग. एंड उससे यू नो आई एम एबल टू हैव दैट बैलेंस. सही करे तो एक खुशी होती है और कहीं गलत करे तो आई फील लाइक ओ आई डिड दिस, हाउ डू आई रिपेंट. समटाइम्स वी कैन नॉट से. एंड ऑन जाने माज आई क्राई, आई जस्ट सजदे में इतनी देर रहे कि हर चीज, बिकॉज नो वन कैन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. इट इज ओनली अल्लाह ताला हु कैन एक्सप्लेन, आई मीन हु कैन हैज सॉल्यूशंस टू अस. So I really feel like whatever we know, it is just very less. And सबसे ज़्यादा तो इतने सारे courses से बदले ये जो Quran for इतने बड़े minister के short में it gives us morals. Alhamdulillah, पहले तो मैं I'm connected to this from 3.5-4 years from this team. Now recently we have 2 years that my mother, in spite of she being a working woman, she has joined and she feels no ab har tod dete agar aisa hua to okay ye reason tha. Now we are able to connect everything and I feel like you know it's very less, it's just a drop in ocean that we know about Islam, deen, Quran and Sunnah and what we do and what we not do. And jaisa aap bole har cheez ke bare mein shukr ada karne ke liye, alhamdulillah, you know, even if I just main jo burkhe ke pin lagati hu, I thank Allah Taala for that. There are many people on that they don't have all these things. And jo mere team leader hai Khana Baji, like really ma'am कोई बात नहीं, अगर टीम आगे भी बढ़ गई तो आई विल बी देयर फॉर यू. अगर मैं कोई टाइम तो बाजी की शायद भूल जाती हूँ कि बाजी कॉल कर देते हैं. एंड समीना खालजान से भी कभी मदद जाती है, ऐसे जुनैरा वैसे उनसे बोले कि ग्रामर नहीं आता बाजी मुझे, तो उन्होंने ग्रामर के जो ट्रांसलेशन रूट वर्ड्स है वो भी लिख के भेजे. तो Alhamdulillah, I'm thankful for all the people who are guiding me to the right way. And Allah Ta'ala se main bas ye dua karungi ki mere ilm ki hifazat kare aur sab ko jo ye team se related aur sab jo itna efforts dalte in spite of being busy with their family, ke their professionals, Allah Ta'ala un sab ko ajr de. Ameen, 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 ameen. And Sameena jo hai, she's a very क्या बोल सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स में एंड वॉलंटियर्स में, आई डोंट हैव वर्ड्स, शी इज रनिंग सो मेनी ग्रुप्स क्विज बनाने एंड वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि उनका जो सपोर्ट है डीए के पूरे काम में. तो डेफिनेटली तो आप उनकी भांजी है, तो इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर जुनैरा फॉर शेयरिंग दिस. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कौन बात कर रहे हैं पहले? राबिया जी.
नाम क्या है आपका? ग्रुप 9 से, राबिया 9 से फराह इफ्तिखार। अच्छा 111। राबिया तस्नीम जी? हाँ बाजी जी, बोलिए राबिया। कैन वी सी यू? ओपन है बाजी क्या? कैमरा नहीं दिख रहे आप? हाँ अब दिख रहे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी बाजी, मैं ग्रुप 18 से हूँ। शानूर मेरे ग्रुप है। बाजी आपका बहुत 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 शुक्रिया ये दारुल अरखाम के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग की लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं। जो जो पहली चीज बोलते कि सबर इंसान में वो नहीं रहता, आप यकीन मानेंगे मेरे हाथा कांप रहे, मगर मेरे में सबर नहीं था बाजी। मतलब मेरे को बहुत जल्दी से, मतलब हाई टेम्पर जैसे बोलते ना वो था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके आयता सुन के, आपके मतलब जो फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कंट्रोल कर सक रही हूँ जी। और शानूर हमारी इतनी मदद करे है इसके लिए, क्योंकि हम लोग का ग्रुप सडन चेंज हो गया था। हम लोग वो फॉलो कर तो हम लोग पूरे ग्रुप वाले डिस्टर्ब हो गए थे बहुत, 1 वीक हम लोग का। फिर उन्होंने इतना सपोर्ट करे हम लोग को, मैसेजेस आते थे कि नहीं नहीं आप लोग कहाँ तक है बोलिए, मैं हूँ आपके पीछे, आप बोलिए, नहीं नहीं हम लोग यहाँ कंप्लीट करें, यहाँ है हम लोग, तो ठीक है आप इतना इतने दिन में इतना कंप्लीट करिए, आप सुबह में इतना पढ़िए, आप फजर में इतना पढ़िए, बहुत 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 हेल्प करे उन्होंने हम लोगों की। और भाजी आपकी जो आयतें हैं वो वाकई में रुला देने वाली है भाजी। बोलते ना जिसको सुकून नहीं है, जिसको दिल को सुकून मिलता वो सुकून मिलता भाजी। और ऐसा हो रहा मालूम कहीं बाहर गए तो अरे ये तो हम टाइम वेस्ट करें, अगर रहते तो एक दो पत्तो पढ़ ले सकते थे। कोई घर में आके बोलता चलो ना यहाँ चलेंगे, ऐसा दिल बोलता कि नहीं 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 हो सकता बोलना, मगर अपन वो कर नहीं सकते बाजी। और जो अब जो बोले थे कि मतलब ये मालूम है तो बोल देना, वो मालूम है तो बोल देना, मेरा दिल इतना चाहता बाजी जाके सबको बोलूं, मगर फिर आपकी वो एक बात याद आ जाती कि रिजल्ट। फिर मैं इतना सोच लेती हूँ कि नहीं 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 ये अभी नहीं बोलना, वक्त पे बोलना। और नूर तबसुम जो हमारे वॉलंटियर है, जब हम लोगों का ग्रुप चेंज हुआ था भाजी, उन्होंने जूम मीटिंग रखे थे हम लोगों की, आप यकीन मानिए उन्होंने इतना एंकरेज करे। अब जैसा जैसा पॉइंट बोलते ना, हम लोग वैसे हो गए थे, अरे हम लोगों से कहाँ मिस्टेक हो गई, क्यों ऐसा सडन चेंज हो गया बोल के। फिर उन्होंने बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। फिर इन्होंने इतना मीटिंग रखे हम लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह आज निफ्स तक पक आगे आ सके हम लोग बाजी। सब में कमजोरी रहती बाजी, मगर इससे हम लोग इतना मतलब इंस्पायर हो गए बाजी के, अब ऐसा दिख रहा कि जैसा शाहनूर का मैसेज आ जाता हम लोग अरे नहीं 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 पहले यहाँ उसके बाद में सब बोल के ऐसा हो गया बाजी। जो जो जो, जो सेक्शन रखे ना बाजी, आपके साथ साथ हम आप हम लोग को मौका दिए कि उन लोगों का भी हम सबके सामने थैंक्स बोल सके, क्योंकि बाजी आज के जमाने में रिलेटिव्स रिश्तेदार एक दूसरे के वास्ते वक्त नहीं निकाल सकते। कोई किसी के लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा लाइट ले दे, बट ये लोग उन्हों एक जगह है हम एक जगह पे है, फिर भी उन लोग हमारे उससे टच में है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। मैं ग्रुप 9 से हूँ, फराह इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम फैजा आंटी, मैं ग्रुप 9 से हूँ, फराह नाम है मेरा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फराह कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली मैं दोहा से हूँ, लेकिन ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। मैंने पहले काफी मेरा कनेक्शन रहा है किसी न किसी तजवीज सीखा, लेकिन डीए के साथ मेरा फर्स्ट कोर्स है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, यानी मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मुझे ये करना है, बट मैं सोच रही थी कि मैं किस स्कॉलर को सुनूं, मैं किसके लेक्चर सुनूं, और मैं शुरू भी करती थी लेकिन वो एक कंटिन्यूएशन नहीं रहती थी, बंदा सुस्त हो जाता है ये वो, तो वो छूट जाता था मुझसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी एक याद है कि एक ग्रुप में ही किसी ने ये शेयर किया था कि एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर लिया। शुरू में मुझे बहुत लगा कि मेरी जो ग्रुप लीडर है शिवा, वो मुझे बहुत बग कर रही हैं, मतलब यार क्या ये मुझे रोज कॉल करती है, रोज पूछती है आपने शुरू किया नहीं किया, मैं कर लूंगी जब करना होगा, मैं अभी बिजी हूँ, ये है वो है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका यही जो मुझे बार बार बोलना था इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मतलब किया कि यार नहीं मुझे करना है शुरू, इट्स अ ग्रुप लाइक आई हैव टू बी विद देम, यानी मैं अपने ग्रुप को अगर उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरी वजह से उनको पीछे नहीं रहना चाहिए, मुझे साथ साथ चलना है। और सुभानअल्लाह पहला वीक मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सेकंड वीक भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी। और जो मेन चेंज मेरी लाइफ में आया है वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वक्त में इतनी बरकत आ गई है कि मैं सुबह फजर के बाद उठती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम भी हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ना पढ़ना का भी हो जाता है, रोज कुछ ना कुछ या तो नोट्स बना लिए या ट्रांसलेशन याद कर ली या कुछ भी या फिर रिवाइज कर लिया, कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। और वो करने के बाद जो एक फीलिंग आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ अच्छा कर लिया आज, यानी आज के दिन के लिए मेरा कुछ अच्छा हो गया, यू नो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस ये कहना कि जज़ाकअल्लाह खैर आपके लिए, आपको भी और सिस्टर शिवा को भी, अगर वो मुझे इस तरह से ना फोर्स करती ना कुछ करती तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाती, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमारा निस जुज हो गया तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी इजी लग रहा है। लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि अभी सिर्फ निस जुज हुआ है और उसमें मैंने कितने वाकयात जो हैं पढ़ लिए हैं और अब तो सिर्फ एक जुज का निस्फ हुआ है और उसके बाद इंशाल्लाह से यानी अभी कितना पढ़ना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करे और तौफीक दे कि हम सब जिन्होंने ये शुरू किया है हम उसको कंप्लीट करें। फिर एक जहन में ये बात भी आती है कि मेरी जिंदगी के 30-32 साल जो हैं वो निकल गए हैं और अगर अल्लाह ताला मुझे 60 साल की भी उम्र दे दे और अनदर 30 ईयर्स भी हों मेरे पास या अनदर लाइक यू नो तो क्या काफी है मेरे लिए कि मैं इसको फॉलो कर सकूं और पढ़ सकूं और इसको एब्जॉर्ब करके मतलब सही से जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है बहुत ज्यादा। फिर उससे थोड़ा सा डर भी लगता है, डर भी होता है कि कहीं इसी वजह से पकड़ ना हो जाए। नहीं ये डर शैतान की तरफ से रहना है। जी पॉजिटिव रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर आपके आपके वीडियोस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। जज़ाकअल्लाह खैर जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। हु इज दिस? आलिया बाजी के ग्रुप से है हूँ, आयशा खानम बाजी। नाम क्या है आपका? आयशा खानम। डिस्प्ले नेम क्या है? शहवर। ये नडन का फोन यूज कर रही हूँ, मेरे फोन में नेट प्रॉब्लम है शायद इसलिए उनके फोन से। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड यू, आप है कहाँ? जरा हाथ पाथ हिलाइए तो आपको मैं। हाँ 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई कैन सी। यस सबसे कहां से आप? जी बाजी बोलिए आप, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आयशा खानम है, मैं बेंगलुरु से हूँ और हमारी ग्रुप लीडर का नाम आलिया बाजी है। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बाजी आपकी आपकी आवाज और आपका वो वीडियो से जब मैं सुनती रहती हूँ ना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है बाजी। मैं सबसे पहले तो मुझे वो ना पढ़ने आता ना वो सिर्फ जैसे कि कुरान हमें पढ़ती ना नाम के लिए जैसे कुरान उठाना पढ़िए उसके बारे में आज तक ना मैं जाने थे कुरान क्या क्या चीज है उसके अंदर क्या मायने हैं मतलब है क्या तरीका है या उसके अंदर कौन सी चीजें चीजें ही उससे बहुत दूर थे हमें। माशाल्लाह जब से ग्रुप ज्वाइन हुए या है तो हर चीज से रूबरू है। सबसे पहले तो मुझे ग्रुप में काफी डर था स्टार्टिंग में, आलिया बाजी सर ने शायद रोई भी कि मुझे ग्रुप में नहीं मतलब नहीं चल रहा है बोल के क्योंकि मेरे को जैसे लिखता थी लेकिन पढ़ने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है तो आलिया बाजी बहुत हेल्प किए, बहुत उनका सपोर्ट है। आज माशाल्लाह जब भी मैं क्विज करती हूँ तो 80-90% आती है और सिर्फ आलिया बाजी की मेहनत उनका हौसला और उनकी उम्मीद से ही मैं आगे बढ़ी हूँ बाजी। नहीं तो बहुत ही मुश्किल थी, हर टाइम कुरान पढ़ती नमाज पढ़ती इबादत तो है
लेकिन जो असल माने में जो अब कुरान सीख कर जो पढ़ रही है ना बाजी, वो बहुत ही मुश्किल है। शायद पूरी उम्र बीत गई तो भी शायद ये वक्त ये मौका ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। माशाल्लाह ये कोर्स शुरू भी हुआ, जो भी ये कोर्स शुरू हुआ माशाल्लाह आपको और हमें अल्लाह मरते दम तक जैसे भी हमारी पीढ़ी पीढ़ी जो भी आती है ऐसे ही कुरान पढ़ के सीख के अमल करने की सबको तौफीक दे। ऐसा नहीं कि कुरान कुरान पढ़ लिए दौर कर लिए, लेकिन जो भी आप जैसे तरीके से मतलब से जो पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह हर एक पीढ़ी को भी ऐसे पढ़ने की ऐसे समझ के पढ़ने की तौफीक दे बाजी। बहुत बहुत दूर थे हमें, सिर्फ पढ़ लिए नमाज पढ़ना, हम तो नमाज पढ़ लिए इबादत कर लिए, हमने तो इतना कुरान पढ़ लिया था जूस पढ़ लिए ऐसा शान करते थे जैसे कि उसमें है ना कुरान में आप जैसा बोलते पहले और एक या दो जूस में आप जैसे बोले कुछ ना कुछ तो फर्क है ना। माशाल्लाह फर्क आया बाजी, थोड़ा तो उतना सख्त नहीं है, दिल नरम है, हर एक कौन भी सीधा नहीं रह जाता बाजी। सब भी ऐसे ही मैं मेरा है वैसा तो चाहता है सब में कौन भी सीधे नहीं। तो जैसे ये जान रही थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश है बाजी इंशाल्लाह पूरे कुरान तक। ऐसा एक्साइटमेंट पहले तो नहीं था, लेकिन जब से ग्रुप में जॉइन है लगता है और कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ, जब पहले जूज में इतना है तो पूरे कुरान में कितना होगा माशाल्लाह हम सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह बहुत अच्छी है एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है। और सबसे पहले आप माशाल्लाह, अगर आप जैसे लोग नहीं होते तो समाज हम जैसे लोग सिर्फ कुरान पढ़ना रखना और सिर्फ पहले तो शुक्रिया आपका। थैंक यू अल्लाह मजल्ले फाइनल माय जुनून ऑफ सिनेमा ला या आलम अल वला अस्सलाम वालेकुम। याद रखिए जब तक इस्लाम, आई नो कि एवरीबॉडी इज एक्साइटेड टू स्पीक फिरदौस साहिबा आलम, प्लीज यू कैन स्पीक। जजाक अल्लाह खैर। यस फिरदौस, वेयर आर यू, रेज योर हैंड फिरदौस। यस फिरदौस, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ग्रुप टू से हूँ और करण बाजी मेरे लीडर है और मैं आपको मेरी नानी भी यहाँ पढ़नी है खान सितारों के साथ। आप कहाँ से हैं? इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से? महाराष्ट्र में से। अच्छा, और मेरी नानी भी ये कोर्स में ज्वाइन है खान सितारों के साथ। उन्होंने कहा था कि ये कोर्स एक बार ये ऑडियो सुन के आपका यूट्यूब का ऑडियो भी भेजा था उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन की। लेकिन पहले मैं कर चुकी हूँ ये कोर्स, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बेहतर ये कोर्स लगा कि मैं नोट्स नहीं बनाती थी और अल्लाह ने हम लोगों को सुनाई थी ये कोर्स आसान करना आप लोगों के लिए। तरुण बाज ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। जैसे मुझे 2 हफ्ता हुआ ज्वाइन करके और उन्होंने बहुत मेरे को सपोर्ट किया कि आप ये करो, जैसे कुछ भी गलत होता था वो मुझे सपोर्ट करते, मेरे को कॉल करके बोलते थे कि फिर तो आओ ये हम मीटिंग रख रहे हैं या कुछ भी, जब उनको कॉल करो तो वो मतलब मैं नहीं हूँ तो कॉल करते थे, जो भी कुछ डाउट हो तो मुझे बताते थे कि ये ऐसा है। और जब मैं कुछ आधे देखती हूँ मैं आधे में स्टॉप हो जाती हूँ, मेरे को एक्साइटमेंट होती थी और आगे क्या बता रहे बाजी, और आगे क्या बता रहे। मेरे को कुरान पढ़ने की और चाहत होती कि मैं कब पढ़ू। हम सब बहनों के लिए अल्लाह ताला ये कोर्स आसान फरमाए। आमीन आमीन फिरदौस, जज़ाकअल्लाह। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली। अच्छा अब एक काम करेंगे, आई विल चूज हु शुड स्पीक। ओके, आई नो एवरीबॉडी इज एक्साइटेड, लेकिन वक्त की कमी की वजह से शायद वो पॉसिबल नहीं है, तो लेट मी सिलेक्ट कि कौन बात करेगा। यस मरियम मामूदी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से हैं आप? जी मैं हैदराबाद, इंडिया हैदराबाद से हूँ। बेसिकली इंडिया हैदराबाद से हूँ, अभी जिद्दा में रह रही हूँ सऊदी अरेबिया, जिद्दा। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, फैजा बाजी का बच्चा है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स ज्वाइन करे जब से बहुत ज्यादा चेंजेस आए अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ चेंजिंग कोर्स, इट्स रियली अ लाइफ चेंजिंग कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह।
सिमन सिस्टर मेरी ग्रुप लीडर है और तैयबा बाजी हेड लीडर है. अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग का भी बहुत सपोर्ट है, मोटिवेशन है हमारे लिए. अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक कैसा भी वो सेशन रखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत पुश करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हाफ जो टेस्ट देने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आप रुखिया को जानते होंगे, लेवल वन के है, उनकी नंद हूँ मैं, उनके थ्रू यहाँ पर आई हूँ. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट है ग्रुप लीडर्स का एंड बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जॉइन करके. अल्हम्दुलिल्लाह तीन बच्चे हैं मेरे छोटे, बस उन लोग का तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन तो दूंगी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अकेले सब मैनेज हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह. अभी तालीम में अभी मैं ज्वाइन नहीं की, इंशाल्लाह जल्दी. आपको आपको ये तालीमुल कुरान के और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद ख्वाहिश नहीं हुई? यहाँ पे जो भी तफसीर के स्टूडेंट्स हैं और तालीमुल कुरान के स्टूडेंट्स नहीं है, आप लोग अभी तक सुने होंगे कि जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करने वाले स्टूडेंट्स उनका एक्सपीरियंस क्या है. तो आई गिव यू ऑल एन इन्विटेशन की प्लीज जो है ना तफसीर अभी क्योंकि हाफ जूस ही हुआ है, तो आई गिव यू ऑल एन इन्विटेशन टू शिफ्ट टू तालिबुल कुरान फ्रॉम तफसीरुल कुरान, क्योंकि फिर अब और आगे बढ़ जाएंगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू शिफ्ट, उतना ज्यादा तर्जमा नहीं आप कर सकते. तो प्लीज जो जो भी है, इफ यू रियली हैव टाइम, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, तो रिक्वेस्ट है, इन्विटेशन है कि टू ज्वाइन दैट इंशाल्लाह ताला. Our team leaders and head leaders, they are so incredible. Alhamdulillah. Jazakallah khair to them and Jazakallah khair waji aapke liye. Jazakallah. Bahut bahut shukriya aap mauka diye mujhe baat karne ka. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Actually, main to sabko mauka dena cha rahi hu. Sabko mauka dena cha rahi hu main. To inshallah taala. Sadia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. जी मैं ये बोलना था कि ये तालीमुल कुरान मेरा सेकेंड टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे को ये बोलना था कि एक आई एम गोइंग टू अ न्यू डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे को ऐसा दिख रहा फिर से अभी एक बार एक अलग तरीके से कुरान पढ़ने का मेरे को मौका मिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह. लाइक आई एम गोइंग टू जैसा कि मेरे को डेप्थ में और जाने की सलाहियत दिख रही है उसमें. जैसे पहले जैसा मैं पढ़ी थी फर्स्ट टाइम कुरान, मेरे जीते लाइफ में एस्पेक्ट्स थे उसके ऊपर थोड़े मेरे चीजें खुले थे. अगेन आई एम गोइंग टू द सेकेंड टाइम इसलिए क्योंकि जिंदगी भर हमको कुरान से लगे रहना है, ता हयात तक हमको करना है इसके ऊपर. और ऐसा नहीं कि हम एक बार पढ़ दिया कुरान छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, हमको जिंदगी तमाम इसके ऊपर पढ़ना है और इसके ऊपर हमको हमेशा अमल करते रहना है. तो जैसा फिर से अब पढ़ी हूँ मेरे को ऐसा दिख रहा कि कुरान के हक अदा करने के आपको 5 स्टेप्स दिए गए कि पहले आपको तजवीद से पढ़ना है, उसके ऊपर ट्रांसलेशन करना है, उसको समझना है अपन को, तीसरा उसके ऊपर फिर अमल करना है, चौथा जो है हमको तदब्बुर करना है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है, उसके डेप्थ में जाना है. सो आई फील ये चीज में थोड़ा मिस हो गया था, इसके ऊपर मेरे को गौर व फिक्र करने के अल्हम्दुलिल्लाह और तौफीक मिल रही. अल्लाह मेरे को और इसके ऊपर गौर व फिक्र करके इसकी गहराइयों तक जाके उसको समझने के तौफीक दे. और मेरी रिक्वेस्ट है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट से कि हर आयत को आप लोग की अपने ऊपर डालकर उसके ऊपर अपना मुहासबा करने की कोशिश करें हर आयत में. इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जो जिहाद बोलते हैं ना, जिहाद, आई फेल्ट कि जिहाद जो करना है हमको सबसे पहले अपने नफ्स से करना है. तो अपने नफ्स से अपन करेंगे जो आयतें हैं, हम हर चीज को एक्चुअली फर्स्ट टाइम क्या होता है, हम लेते कि उन्होंने ऐसा करते हैं, इन्होंने ऐसा करते हैं, ये आयत उनके ऊपर होती होती. हमको चाहिए कि फर्स्ट वो आयत को अपने ऊपर ले, अपने ऊपर चेक करना है हमको, अपने नफ्स से उससे जिहाद करना है, उसको छोड़ के फिर अपन को आने का है. तो हर हर छोटी चीज है, दो तकबर है, दो या अना है, दो हमको जाहिर ही ऊपर दिखते हैं कि, मगर मैं चाह रही हूँ कि कोई भी एक मैटर हुआ, कहीं भी प्रॉब्लम हुआ, आप वर्कआउट करें, लिखिए वो मैटर को, सोचिए उसके डेप्थ तक जाइए, इंशाल्लाह वो होते 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 आपका मुहासबा होता. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि साहबा कराम एक मैं लेक्चर सुन रही थी कि उन लोग अपनी नियत 40 टाइम्स नियरली डेली 40 टाइम्स उन लोग रिन्यू करते रहते अपनी नियत, तो इंटेंशंस को अपने,
तो हमको कितना अपना नियतों का मुहासिबा करने का है, कोई भी बात है तो इसके पीछे मेरी नियत क्या है, इसके पीछे नियत है। तो हर चीज में हम चाहिए कि अपनी नियत को खालिसतन और खालिस अल्लाह के लिए कर दो, चाहे कुकिंग हों दो, चाहे बच्चों की तरबियत हों दो, बच्चों को खाना खिलाना हों दो, या घर की मेहनत साफ सफाई हों दो, ये सब अल्लाह के लिए। जब ये सब अल्लाह के लिए होगा, जब पढ़ाना लिखना करना हर चीज अल्लाह के लिए, तो आपका जो मुकम्मल डे इवन सोना भी अल्लाह के लिए, जिक्र भी अल्लाह के लिए करके रहेंगे, तो वो सब चीज इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो इबादत में काउंट करेंगे हमका। कि खाली हमारा मखसूस टाइम कुरान पढ़ना ही इबादत ही नहीं होता, खाली नमाज पढ़ना इबादत नहीं होता, ऐसा करने से नियतों को खालिस अल्लाह के लिए करने से मुकम्मल टाइम हमको इबादत में जाने के जैसा हो रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैं को और एक अब ये फिर सेकेंड टाइम गोने से ये हो रहा था कि मैं अब तक बच्चों को सिर्फ तालीम दे रही हूँ, तालीम दे रही हूँ, तालीम दे रही हूँ पता चल रहा था, मगर जो अभी और समझने से उसको गौर फिक्र करने से जो सब तरबियत की वैल्यू जो मालूम हो रही, तरबियत कैसा करना है, वो जो बात है उनके दिलों पे उतारना है और उसको अमल करवाना है, वो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो दिखा इसमें। और बस और अभी एक अच्छी अच्छे मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल रही है, जैसे हमारे गैदरिंग्स हो रहे हैं, हम लोग एवरी वीकेंड सास के पास जाते, मेरे देवरानी जेठाने वगैरह बच्चे वगैरह मिलते थे, हम लोग यूजुअली ऐसे गैदरिंग्स में थे तो ये वो टॉकिंग्स होती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्तेदार भी जो समझे देवरानी जेठाने भी सब इसमें लगे, और हमारे 2 घंटे 3 घंटे ऐसी कुरान के डिस्कशन पे उनको ये आयत एंड इतना ब्यूटिफुल दिख रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि मेरे ससुराल का मेरा घर ये सब लोग पूरा कुरान से जुड़े, इनको इससे बहुत बड़ी खुशी मिल रही, मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ, जो इंटरनल पीस मेरे को मिल रही ना, मैं बेहद बेहद खुश हूँ। अल्लाह ताला हमको हमेशा इसके ऊपर जोड़े रखे और तमाम हमारे घर वालों को, खानदान वालों को इससे ऊपर जाके सोसाइटी पे भी काम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे और इसके ऊपर अमल की तौफीक अता करे और जिंदगी भर ताहयात हमको इसको जोड़े रखे। जजाकल्लाह खैरन कसीरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी आप म्यूट पे हैं? मैम आप म्यूट पे हैं? अच्छा ठीक है, सॉरी। चलो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू डाउट्स। आप लोगों को किसी आयत में कोई डाउट? आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू शेयर, सब लोग बात करना चाह रहे हैं। यस यू हैव अपॉर्चुनिटीज, धीरे धीरे हम लोग सबको लेंगे। किसी को कोई आयत में कोई डाउट है, कोई सेक्शन नहीं समझ में आया या कोई जो है वो नहीं है, तो यू कैन जस्ट कम फॉरवर्ड एंड शेयर विद अस या आस्क योर क्वेरी। कोई सेक्शन कोई पार्ट नहीं समझ में आया, until then you can continue sharing inshallah। Masroor Sareen, you can unmute yourself and speak, or jisko doubts hai you can unmute yourself and speak। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh। Who is this? Masroor? Yes ma'am। Can I see you? Jazakallah khair for accepting my request। Yes Masroor। I just want to thank Allah for us. आप कहाँ से हैं? I'm from Hyderabad. You are in Hyderabad only? Yes. मैं मिली आपसे कभी? जी। कब? I'm Mahmoud's sister. अच्छा आप घर आए थे? जी। हाँ इसलिए मुझे जो है ना आपका नोन फेस लग रहा था। मैं भी मिले थे मामी। जज़ाकअल्लाह आप याद रखे। मैं भी मिले थे मामी। जी हाँ मिले थे। जी एक्चुअली आई फील सो नॉट सो गुड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सो दैट्स द रीजन आई वाज शटिंग माय कैमरा। एज यू नो आई थिंक आपको याद होगा, it's just I want to thank everyone and I'm happy for what I'm doing and inshallah I'll do much better inshallah। I would also like to thank my sister very very much, not because she is my sister but she does make lot of efforts not only for me, the whole group। She keeps pinning everyone every day after fajr, after tahajjud. Even I know mere bhanje kaise hai, kitne bother karte rehte hai, but she is making time and she is doing lots of things, household work karte hue, she is taking care of all these things and jazakallah Masroor, should I like
get you present to something. आप बोल रहे थे कि मैं भागती हूँ, मुझे लोगों से बात करने से डर लगता है, express करने, but do you see yourself how wonderfully you express yourself in front of people and you're so great in thanking everybody, acknowledging others' efforts. Can you see that? Yes. I was an extrovert, but something is pulling me back. Yeah. So वैसा नहीं है, it's just in your head, but you are very great in expressing yourself. तो वो वाली मसरूर को बाहर आने दो, मसरूर मसरूर से रहो. ओके, जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. मेहजबीन, जब से आई एम गेटिंग हर मैसेज, मेहजबीन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. वेयर आर यू? अस्सलाम वालेकुम आजी, खैरियत से? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू. जरा देखने दीजिए मुझे, वेयर आर यू, लेट मी पिन यू. कैन आई सी यू? I'm yours. Yes. I do remember you. Definitely. Already a Talimul Quran graduate doing it for the second time. Alhamdulillah. It's a blessing for me to speak in front of you. Alhamdulillah. बहुत अच्छा experience है. लास्ट टाइम जो था थोड़े से क्लासेस हुए थे, फिर आपके जो लेक्चर्स थे अपलोड किए हुए, उस वो सुनकर मैंने कम्प्लीट किया था. अब ये मेरे लिए बहुत एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि बहुत अच्छा, मतलब आपसे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा मेरे को. मतलब मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि वो है ना, या मुखल्लिबल कुलूबी सबित खल्बी अलदीनी का, तो मैं अपने अच्छे दीनी लोगों से जुड़िए रखे. तो मैं आपसे जुड़ना एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, आपसे जुड़ने के लिए. तालीमुल कुरान जो है मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है अपनी लाइफ, अपनी लाइफ मतलब अंधेरों से निकल के लिए अल्लाह करे. पहली बार मैं जबीन का जो है कि छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी. शी वाज लिविंग इन रियाद एंड एट दैट टाइम वी हैड ओनली सोर्सेस नहीं होते थे जैसे आजकल है, यूट्यूब पे इतने वीडियोस एंड इतना इजीली सब कुछ. मेहजबीन को जो है कहीं से सिर्फ ऑडियोज मिल गए थे मेरे फ्रॉम प्रीवियस बैचेस, तो वो सिर्फ ऑडियो सुन के घर में शी कम्प्लीटेड है तालीमुल कुरान, क्योंकि उनके पास ज्यादा सोर्सेस नहीं थे. तो नाउ शी गॉट नेक्स्ट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड एंड स्टडी इन दिस स्ट्रक्चर, तो शी जॉइंड इट अगेन. अल्हम्दुलिल्लाह खास मेरे नाम देख के मेरे लिए आसान मेरी, मतलब वही मेरी ख्वाहिश है, अपनी लाइफ को मैं चेंज करना चाह रही हूँ, अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए. मेरे लिए खास दुआओं में याद रखिए आप. इंशाल्लाह. आप वैसे तो मैं नाम से नहीं याद रखती, लेकिन तालिबुल कुरान के और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा. और इरफान आबादी शुक्रिया जो मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं, रिमाइंड करते हैं. बहुत ज्यादा खैर फिर इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आ रहा है इंशाल्लाह. कितने को मिला है इंशाल्लाह, आज भी बहुत बहुत वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक. जी इंशाल्लाह आगे भी बहुत तलब है इंशाल्लाह इल्म सीखने की. इंशाल्लाह हम सबके लिए आसान करे. और जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि शुरू शुरू में अपने को जो है शैतान स्टॉप करने की कोशिश करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने को फाइट करना है शैतान से, आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस रहे, कोशिश जारी रखना चाहिए. वी शुड बी स्टेडफास्ट इन दीन इंशाल्लाह. अल्लाह ये कोशिशों को ही कबूल करके आगे बढ़ाएगा इंशाल्लाह. आप लोग नाउमीद मत होइए, इंशाल्लाह ये बिगनिंग है. जैसा कि हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपने को बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी और शैतान भी हमसे दूर हो जाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर बाजी, दुआ में याद रखिए. टीम लीडर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर.
या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून।